थारा भाई जोगिंदर जो बोल रहा था दोस्तों, वो सच हो चुका है, बवंडर आ चुका है। चाय के लिए तो निकाली, लेकिन मतलब लाल पानी पीने की जो नौबत है वो नहीं आने वाली है। डप्पा डाउन हो तो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फिर से एक नया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो अभी बन रही अपनी चाय, फिलहाल नाश्ता बन चुका है, तो फटाफट अभी नाश्ता करते हैं। शैलेश भाई भाभी लोग आ रहे होंगे, तब तक मेरी चाय भी बन जाएगी। नाश्ता करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको बाहर का दृश्य। तो सबसे मेन खुशी की बात जो है, हमारा जो कुत्ता है ना, छोटा सा हमारा जेरी, तो आज से उसने खाना खाना भी स्टार्ट कर दिया। तो सुबह उसने थोड़ा सा दूध पिया था, काफ़ी खुशी हुई कसम से। 3 दिनों के बाद खुद आज स्वयं से उसने दूध पिया। तो दोस्तों, मेरे पास एक रोटी है, मेरे को ये रोटी अपनी सारी गायों में बांटनी है, ठीक है? ये टुकड़े कर रखे मैंने, देखते सबको पहुँचता नहीं पहुँचता। ले खा लवाई गोड़ी, ला एक ही टुकड़ा खा, ला आराम से आराम से, तेरे लिए ये है ले, शाबाश शाबाश। ओ बोल, तूने मेरे को पिचका दिया, ले खा ले भाई खा ले। कल नहीं खा रहा था, कल इसको पूरी एक रोटी खिला रहा था मैं, तो समय नहीं खा रहा था, तो चलो खा दिया। अभी नहीं खाया यार, तो इसकी मम्मी को खिलाऊंगा, ठीक है? इसको मैं आया, उसकी मम्मी, वेयर इज उसकी मम्मी, तेरे को तो खिलाऊंगा ही नहीं, तो बहुत हरामी है। चल हट, ले 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 ले, शाबा लुकू लुकू, हम लुकू अपना जेरी। ओ जेरी, कैचा है तू? कैचा कैचा भाई मेरा जेरी। खाना खाया तूने आज? खाया ना, और खाएगा? तो आज देखो ना, आज बहुत स्वस्थ है, आज तो चल भी रहा है हमारा कुत्ता। चल ऊपर आ जा, अभी तक खेल भी कर रहा था। ले चल आ जा, कुचू कुचू। चल ए रहा भाई, तू तो अपना वजन भी नहीं संभाल पा रहा, जीवन कैसे संभालेगा तू? ले आ जा। चुचू कर दिया भाई इसने, ये कितना बदतमीज है, इसने यहीं पे चुचू कर दिया। अत 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 साला बिगड़ा, अत बदतमीज बदतमीज डॉगी बदतमीज जेरी। ला बगे बगे, आजा आजा चला। तो दोस्तों, अभी जा रहा हूँ मैं गाय लगाने के लिए, हर दिन की तरह। अब मेरे को लग रहा है कि मेरा रोज का काम पड़ चुका है, सुबह सुबह एक बार गाय लगाने जाना ही जाना है। तो अभी लगा के आते, फिर भी आजकल ठीक है यार। अब कुछ दिन बाद ना, जैसे ही हल उल लगाएंगे, अनाज उनाज बोएंगे, उसके बाद तो गायों के साथ ही जाना पड़ता है। तो उससे बढ़िया आजकल ही है, एक बार गाय लगा दो, उसके बाद छुट्टी। कसम से मैं जब भी गाय लगाते समय वीडियो बनाता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ ना, तो मेरी गायों की जो स्पीड है ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। मेरे को लगता है कि सुनने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये बंदा बोलना क्या चाह रहा है, कि रोज रोज लगा क्या रहता है बोलने में। तो अभी इनको अगर कैमरे में लाऊं तो इनको कैसा लगेगा? तो यहाँ देख, इधर देख, यहाँ देख, उधर देख, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरी गायें हैं सबसे ज़्यादा मेरे को जानती होगी, कसम से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करा हुआ है माँ के बाद। क्योंकि यार सबसे पहले तो माँ ही है कसम से, क्योंकि जिस तरह से माँ ने हमको पाला हुआ है, वैसे हमारे इन गायों को भी पाला हुआ है। और ये जो सारी गायें हैं ना, ये एज है मेरे से छोटे हैं, मेरे से छोटे क्या, मेरे से काफ़ी छोटे हैं। जो इसमें सबसे सीनियर गाय है वो है हमारी ये वाली गाय, इसको लगभग 10-12 साल हो रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबकी याद है यार मेरे को सारी गायों की, जो पीछे सारा है वो तो अभी काफ़ी छोटा है, वो केवल अभी शायद 6 या 7 साल का है वो अभी। और जिस दिन वो भी हुआ था, उसकी जो कंडीशन थी ना, सबसे बुरी कंडीशन थी। जिस समय वो हुआ था, उसका नीचे से जो इनका टॉयलेट रहता है ना, मतलब जिसको गौत बोलते हैं, तो ये पूरा गौत में गिरा था। रात में हुआ शायद, और सुबह देखा माने कि ये हो रखा है वहाँ पे, तो वहाँ पे पूरा गीला हो रखा था, पूरा ठंडा जिसको बोल देगा। फिर माने आग जलाया, आग पे उसको सनाया, जैसे छोटे बच्चों को सनाते ना, बस उसको सनाया। दूध तक नहीं पी रहा था, क्योंकि उसकी हालत इतनी गंदी हो चुकी थी, इतनी बुरी हो चुकी थी, वो दूध पीने के लिए तक सक्षम नहीं था। तो माँ ने उसको निप्पल से दूध पिलाया। और ज़्यादा लगाव है हमारी अपनी गायों के साथ यार, खासकर मेरा और शैलेश भाई का। जब भी हम गोपेश्वर से आते हैं ना, जब हम स्कूल भी थे जोशीमठ में, तो जब भी हमारी छुट्टी होती थी, घर आते थे, तो सबसे पहले हम अपनी गायों के पास जाते थे, सबसे पहले अपनी गाय देखने के लिए जाते थे।
तो अभी हमारी दादी जी भी आ चुकी है भाई, हम मारने के लिए आते हैं भाई। इनसे मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। पहले ये वाली गाय दादी लोगों की गाय यानी दिव्यांश भाई लोगों की गाय और हमारी गाय साथ ही रहते थे, लेकिन अब अलग अलग हो चुकी है जब से ये लड़ने लगे हैं। तो हमारे बैल और इन बैलों के बीच में इतनी तगड़ी वाली टसन है ना, बहुत ज़बरदस्त। दादी बोला अच्छा है हबले अभी दियो खुल के पास दिखी ही नहीं। तो दादी बोल रही है कि एक हिरन उधर पे, एक हिरन का बच्चा है, देखते हैं अगर हमको भी मिलता है आपको भी दिखाएंगे। कच्चा बादाम आमा, कच्चा बादाम आमा, गाचे 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 कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। आज हमारा कुत्ता कितना स्वस्थ हो चुका है, आज देखो आज तो काटने भी लग गया, आज तो खेल भी करने लग गया भाई अपना कुत्ता, कल तक नहीं था ऐसा। काट ले गर्दन, काट दे ले सांक पे, बिल्क बिल्क सांक पे। बाय 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 बाय, हम खाना खा के आते हैं, ठीक है ठीक है कुत्ता। दोस्तों तूफान आ चुका है, तूफान का आगाज हो चुका है दोस्तों, अवंडर आ चुका है दोस्तों। थारा भाई जोगिंदर जो बोल रहा था दोस्तों वो सच हो चुका है, बवंडर आ चुका है। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। यहाँ देखो दोस्तों कसम से इतनी खतरनाक वाली हवा चल रही ना, ओ भाई साहब साहब उड़ी देने, यहाँ देखो साहब उड़ी, बवंडर है लो। बारिश जो है ना यहाँ तक पहुंच गई, तगड़ी वाली हवा चल रही कसम, ओ भाई साहब। ये ला तू जा रहा है, मैं जाना सिलेंडर लेने। तो दोस्तों अभी जा रहा हूँ मैं सिलेंडर लेने के लिए, सुबह पापा ने मेरे को फ़ोन करा हुआ था कि मैंने सिलेंडर भेजा हुआ, जो कल सिलेंडर मैं नीचे छोड़ने के लिए जा रहा था ना, तो आज पापा ने वो भर करके घर भेज दिया। तो नीचे जहाँ पे तक गाड़ी आती है वहाँ पे तक सिलेंडर आ चुका है, तो वहाँ पे से मेरे को वो ले करके आना है कंडी में। पर भाई साहब जो आज ये बाउंडर आ रहा है ना, जो हवा चल रही है ना, ये तूफान जैसा बहुत ही खतरनाक यार कसम से। बारिश आ जाए बर्फ़ आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आंधी तूफान ना आए कसम से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। क्योंकि जो हमारा जहाँ गाय रहती है ना, उसके छत पे जो हमने तिरपाल डाल रखा है वो सारा सारा उड़ने बैठ गया, वो तिरपाल भी और जो घास है उसमें जो खौड़ बोलते हैं वो भी। तो जीवा बॉल खिला, अरे देख लो तू जो बॉल खा रहा है, वीडियो बना इतना इतना जैसा पाल गुर्जी छक्का नहीं के। तो दोस्तों ये रहा अपना सिलेंडर, तो अब इसको मेरे को यहाँ से घर तक पहुँचाना है। तो कसम से बढ़िया हुआ मैं ये कंडी ले करके आ गया, नहीं तो अगर नॉर्मली ऐसे ले जाना पड़ता या रस्सी की हेल्प से ले जाना पड़ता बहुत ज़्यादा फंसाने वाला था भाई कसम से, क्योंकि इसके अंदर गैस ना वो हिलती है तो उससे डिसबैलेंस हो रहा है बहुत खतरनाक वाला है। तो ये सिलेंडर इसमें बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, जितनी बड़ी कंडी है सिलेंडर भी उसी के हिसाब से है, तो कोई दिक्कत नहीं है। भले घर जाने जाने तक आफत आने वाली है, लेकिन उतनी आफत नहीं आने वाली जितनी आफत बिना कंडी के आने वाली थी। फिर भी चलते हैं, अभी भारी बहुत है भाई। कितना रहता है ये, 15 किलो नॉर्मली सिलेंडर रहता है और उसमें लगभग 15-16 किलो के आसपास गैस रहती है, तो 30-31 किलो के आसपास है। तो अगर इसकी जगह कोई और सामान रहता ना 30-31 किलो का, तो वो थोड़ा इजी रहता ले जाने के लिए, लेकिन गैस वाला है वो गैस अंदर से हिल रही है इसलिए थोड़ा सा अटपटा टाइप का लग रहा है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं चलते अभी। दोस्तों मेरे पे धक्का दे रहे, ठीक है मैं अकेला ही सब आज तक
बाय। दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूँ, सिलेंडर मुड़ा ली हूँ। अरे मन क्यों बहुत तगड़ो रिजम बनी यार। तो ये काम चोर यहाँ बैठे हुए हैं, काम चोर केवल एक है दादी सैलेश, बाकी कोई काम चोर नहीं है, बाकी सारे काम करने वाले। क्यों दादी इधर और दियो। तो दोस्तों आज माँ गई है मुंडन में और आज घर पे हैं माँ, दादी, मैं, सुमन और राजेश और हमारी छोटी बहन संध्या। तो दोस्तों जो माँ का जो एक सबसे बड़ा काम है दूध निकालने वाला, वो काम आज माँ ने सुमन को सौंपा है। तो आज सुमन पहली बार जा रही है साहू यानी दूध निकालने के लिए। तो मैं भी इसके साथ, क्योंकि लाइट तो है नहीं, तो मैं इसके साथ अपने फ़ोन से फ्लैश करने वाला हूँ। तो अभी चलते हैं हम लोग टारगेट वाला। चलो अभी चलते हैं, ये चल। तो आज लाइट है नहीं यहाँ, तो सबसे पहले हम दो गायों में पीना बांटेंगे। बांट रहे गौ जी। तो फाइनली आज पहली बार सुमन आज हमारे यहाँ गाय के, गाय का दूध निकाल रही है। तो देखते हैं गाय सुमन के पास देता नहीं देता, क्योंकि ना इसकी जो छोटी बच्ची है वो शादी के दौरान मर गई थी, तो अभी ये केवल पीने के बेस पे ही थोड़ा बहुत दूध देती है। दोस्तों ये अनट्रेन बुआरी को देखो अभी, वहाँ जाते ही सबसे पहले अपना हाथ गंदा कर दिया। तो जब उसके पास, जब उसके पेट में पीना जाएगा तब वो दूध छोड़ना स्टार्ट करेगा, तब उसको लाला चाहेगा। तो चलिए दोस्तों अब मुझे थोड़ा बहुत विश्वास हो रहा है कि थोड़ा बहुत चाय के लिए तो दूध निकाल ही लेगी, उतना तो नहीं जितना माँ निकालती है। चलो हाँ, चाय के लिए तो निकाल ही लेगी, मतलब लाल पानी पीने की जो नौबत है वो नहीं आने वाली है। हम दिखाएंगे भाई दूध निकालते। तुम हारे यार तुम कसम से। तो दोस्तों सैलेश हार चुका है, दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा था, पपीता खाओ कंपटीशन। तो सैलेश हार चुका है, कौन है? इसने बता दिया कि लेडीज पावर, लेडीज पावर है। अबे लेडीज पावर, तो दोस्तों अभी शाम की 7 बज चुकी है, तो अभी हम यहाँ पे पपीता खा रहे हैं। 3 दिन पहले भाई लोग ला चुके थे, भाभी जी ला रहे थे, लेकिन इन्होंने अभी तक याद नहीं दिलाया कि पपीता ला रहे थे, क्योंकि दिन में खाने वाली चीज है। तो अभी खा रहे हम इसको, क्योंकि कल परसों तो खराब हो जाएगा, तो फिलहाल अभी इसको खाते हैं। खाना भी बन ही रहा है और आज लाइट ने बहुत ज़्यादा बवाल कर रखा है। आज सुबह से हमारे यहाँ पे ढंग से लाइट नहीं है, 3-4 बार आ चुकी है, जा चुकी है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। ये हमारी संध्या बोली, जो कि 2-3 दिन से हमारी मेहमान है। मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं हो, मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं होनी। तो दोस्तों फिलहाल अभी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और मजेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए लाइक नहीं आ रही है। बाय बाय।